आज का ये टॉपिक है जिसमें हम लोग स्कीमा.org मार्कअप को के आगे बढ़ रहे हैं, स्कीमा.org मार्कअप को समझ रहे हैं। स्कीमा.org मार्कअप के अंदर दो तरीके होते हैं जिस तरह से हम लोग डेटा को लिख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग मार्कअप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पेज पे। एक होता है आपका माइक्रो डेटा और एक होता है आपका JSON-LD कोड, ठीक है। जो हम लोग का माइक्रो डेटा होता है तो वो हम लोग का HTML के बीच में लिखा जाता है, मतलब हम लोग माइक्रो डेटा HTML टैग्स के बीच में एज एन एट्रीब्यूट लिखा जाता है, HTML टैग्स में एज एन एट्रीब्यूट, है ना। जैसे HTML टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, अलाइन एक एट्रीब्यूट है, ये सब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो माइक्रो डेटा एज एन एट्रीब्यूट जब लिखा जाएगा तो वो माइक्रो डेटा कहलाएगा, ठीक है। जब भी कोई स्कीमा.org का कंटेंट लिखा जाएगा। और JSON-LD एक स्क्रिप्ट टाइप का होता है, ठीक है, जिस तरह से कोई जावा स्क्रिप्ट कोड होता है या जेसन कोड होता है, बेसिकली जेसन कोड आपका जिस तरह से होता है तो JSON-LD उस तरह से लिखा जाता है। ये आप HTML टैग को चेंज नहीं करते इसमें, ना HTML टैग के कोई एट्रीब्यूट्स को चेंज करते हैं, वो आप सिंपली एक अलग जगह पे लिखते हैं और वहाँ से ले आके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज जो है इसको समझ रहे हैं। सपोज कीजिए हमें किसी मूवी के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि schema.org जो है वो टाइप ऑफ कंटेंट के बेसिस पे लिखा जाता है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख रहे हो, या आप किसी मूवी के बारे में लिख रहे हो, या किसी बुक के बारे में लिख रहे हो, या किसी रेसिपी के बारे में लिख रहे हो, हम लोग जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, हेड में मेटा के थ्रू, मेटा इंफॉर्मेशन जो है, हम लोग मेटा इंफॉर्मेशन के थ्रू सर्च इंजन को जो है कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे अपने पेज से। अब हम अपने पेज के कंटेंट से खुद कुछ इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी कंपनी का नाम लिखते हैं, सपोज किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो आप ऐसे कुछ टेबल बनाते हैं, आप कुछ लिखते हैं नेम, ठीक है, ईमेल कुछ आप ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कुछ इनकी ईमेल है, किसी है, ठीक है, कुछ इनका फोन नंबर है, मान लीजिए कुछ इस तरह का एग्जांपल फोन नंबर ले लिया आपने, एड्रेस है, ठीक है, ABC स्ट्रीट, ABC स्ट्रीट हजरतगंज, लखनऊ 22 60, ठीक है। तो इस तरह से ये एक HTML फॉर्मेट है बेसिक, जो हम प्रिंट करेंगे तो HTML में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम इस फाइल को सेव एज करते हैं, अपने इस फाइल को सेव एज करते हैं और सेव एज करते हैं, ऑल फाइल्स करते हैं एंड टेस्ट schema.html सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर में एडिट करते हैं, हमने इतना कंटेंट जो है कमेंट कर दिया, पर अब हम इसको रन करेंगे अभी के केस में, तो आप देखेंगे कि सिंपली आपका वो टेक्स्ट जो है वैसा प्रिंट होके आ जाएगा बिना ब्रेक या किसी के भी। अब हम जो है इसी के लिए हम लोगों को टैग्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कुछ, मान लीजिए H2 हेडिंग लिखी मैंने, H2, ठीक है, फिर कुछ मान लीजिए पैराग्राफ लिखा मैंने, पहली लाइन इस तरह से लिखा, और हम इनको टेबल्स में देते हैं, टेबल्स में लिखते हैं, या जैसे भी हम लोगों का हम लोगों को लिखना होता है, जो हम लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं जिस भी वे में, उस वे में इसको प्रेजेंट करते हैं। ये कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आ गई, मान लीजिए इसके हम वेबसाइट भी पब्लिश कर देते हैं, यहाँ पे
कि इसकी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये आपने पब्लिश किया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट ये है कि ये अभी एक नॉर्मल HTML कोड हो गया, ये कोड हम कहीं भी इस्तेमाल करेंगे और वो चलने लगेगा। बट अगर हमको स्कीमा करना है इसका, तो हम लोगों को क्या रेफरेंस लेना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे schema.org। ठीक है, और schema.org में जाके हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोड पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत सारे आइटम प्रॉपर्टीज हैं, एड्रेस, एग्रीगेट रजिस्ट्रिंग, अलुमनाई, क्या एरिया सर्व करते हैं, अवार्ड, और आपके सामने एक्सपेक्टेड टाइप भी लिखा हुआ है कि क्या एक्सपेक्टेड टाइप है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, अवार्ड, ब्रांड, क्या ब्रांड है, मतलब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई ब्रांड है। ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट है अगर, ठीक, कॉन्टैक्ट पॉइंट में हम लोग जो है, जैसा आप लोगों ने लास्ट टाइम यूज किया था, कॉन्टैक्ट पॉइंट में कस्टमर सर्विस नंबर या इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ चीज़ें, टेलीफोन, ठीक है, सब ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ, एंड कुछ रिलेटेड टैग्स। तो यहाँ पे कोई जो है, हम देखते हैं कि माइक्रो डेटा के साथ में कोई कोड हमको एग्जांपल के लिए दिया हो। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिव दिया हुआ है, ठीक है, जिसका आपका दिया हुआ है कि उसका आइटम क्रॉप है वो एक सेलर है, और आइटम स्कोप डिफाइन किया, और आइटम टाइप है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका सबसे आउटर डिव है, आप या जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए गूगल की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है कि हमेशा इनकेसिंग के लिए हम लोग एक डिव का इस्तेमाल करते हैं अपने HTML कोड में। ये पूरा जो डिव है, अब ये इस इंफॉर्मेशन को रखने वाला है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे सबसे पहला एट्रीब्यूट जो डिफाइन करेंगे वो एक आइटम स्कोप है। ठीक है, स्कीमा के लिए ये एक आइटम स्कोप है, ये कोई आइटम इस डिव के अंदर जो आने वाला है उसका स्कोप यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। मान लीजिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये मान लीजिए कोई ABC एंटरप्राइजेस होती या कुछ भी इसका नाम होता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग आइटम्स हैं, इसीलिए इनका आइटम स्कोप जब इसका एंड हो जाएगा तब उसका शुरू होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये समझने के लिए। दूसरी चीज, हमें इसका आइटम टाइप डिफाइन करना होता है। चलो आइटम स्कोप तो आपने बता दिया इस आइटम का, तो वो आइटम स्कोप आपका आता है यहाँ से कि आइटम टाइप क्या है। ठीक है, तो आप लिखते हैं schema.org ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब जो है सर्च इंजन प्रोग्रेस धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे कि आपके पेज पे जो ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो आइटम प्रेजेंट कर रहे हैं आप, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे देते हैं स्पैन। ठीक है, आपने क्योंकि हेडिंग टैग ऑलरेडी लगा रखा है, आप दिखाते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो प्रॉपर्टी आपने लिखी है, ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो इसकी आइटम प्रॉपर्टी जो होती है वो हम लोग इन आइटम प्रॉपर्टीज से, जो ऊपर ये आइटम प्रॉपर्टीज हैं,
इनमें से पिक करते हैं जैसे जो देना होगा। हाँ, जैसे कि वो क्या है, तो वो एक नेम है ना, आइटम प्रॉपर्टी नेम, आइटम प्रॉप इज इक्वल टू नेम। तो ये चीज जो है आपकी स्पैन आइटम प्रॉप हो जाएगी, ये कंपनी का नेम, ये कंपनी का नेम, ये आइटम प्रॉपर्टी है। आपने इसके बाहर नहीं लगाया स्पैन, आपने सिर्फ उस नेम को इंक्लूड किया है, उस नेम को इंक्लोज किया है इस स्पैन टैग के बीच में। अगला आपने जैसे यहां पे लिखा, सो स्पैन आइटम प्रॉप इज इक्वल टू इमेज, ठीक है। रिमेंबर, अगर ये नाम अपने अंदर कुछ सब प्रॉपर्टीज रखे होता, ठीक है, कुछ ऐसी सब प्रॉपर्टीज होती जो इस नाम के अंदर होती, तो हमें इसका भी आइटम स्कोप और आइटम टाइप डिफाइन करना पड़ता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस पर्टिकुलर आइटम की कुछ सब प्रॉपर्टीज होती, तो इस या ये खुद में भी किसी प्रकार का एक स्कीमा टाइप होता, तो हमें इसका भी आइटम स्कोप और इसका भी आइटम टाइप डिफाइन करना पड़ता। मीन्स अगर जैसे कलर कलर टाइप कलर्स टाइप है, हाँ, इसी का अगर दूसरा नाम हो तो उसके नहीं, अगर इसकी और कोई प्रॉपर्टी, हम लोग अभी जब एड्रेस वाला पार्ट समझेंगे तो हम समझेंगे इस चीज को। अब जैसे ये नेक्स्ट है, ठीक है, ये आइटम प्रॉपर्टी है टेलीफोन, टेली स्मॉल में, फोन कैपिटल में, ठीक है। और स्पैन, आपको स्पैन क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप गेटिंग एरर्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या ये हमने सही किया है। तो अगर ये इन्होंने लगा टेलीफोन, ठीक है, फैक्स नंबर, ईमेल, आप देखिए जो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम अपने कार्ड पे आते हैं, ये एक पोस्टल एड्रेस है, दिस इज अ पोस्टल एड्रेस, एंड स्कीमा में पोस्टल एड्रेस भी एक तरह का आइटम टाइप होता है। तो इस पर्टिकुलर ये यहाँ पे इस ये पर्टिकुलर पोस्टल एड्रेस जहां पे आ रहा है, ये यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, ये पोस्टल एड्रेस जहां पे आ रहा है उसको आपको एक आइटम स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और एक आइटम टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। आइटम टाइप क्या, http://schema.org पोस्टल एड्रेस, ठीक है, और पोस्टल एड्रेस आपका अब इसके बीच में लिखा हुआ है, ये भी इसके अंदर है स्पैन के नहीं। अब हमने क्योंकि पी आप किसी ऐसे टैग आप स्पैन में भी दे सकते हैं, पर हम लोग क्योंकि जो पैराग्राफ टैग था वो इस पूरे पोस्टल एड्रेस को इनकेस कर रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको, अब पोस्टल एड्रेस में ये तो हम लोग के लिए, हमें अब इसमें इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। तो इसको पहली बार तो इसको खुद को आपको एक आइटम टाइप देना पड़ेगा, आइटम प्रॉपर्टी है खुद में भी है, तो ये आइटम प्रॉपर्टी भी है एड्रेस और आइटम टाइप भी है पोस्टल एड्रेस, ठीक है। तो ये जब हमने यहां पे दिया, अब जैसे इसमें पहली प्रॉपर्टी है स्पैन स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, हमने इसको लिख दिया, चलो एबीसी स्ट्रीट, एबीसी स्ट्रीट, तो इसके बाहर स्पैन आ गया। आप देखेंगे स्पैन जो है, इवन हम लोग ये चीज यहाँ पे जरा से भी नहीं बदलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि
इन एट्रीब्यूट्स का, इन कोड्स का हमारे इन इस कोड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी हम लोग स्पैन जैसे टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उन आइटम प्रॉपर्टीज को भी लगा दें और हमारा कोड भी जो है बदले ना। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का वो ये है कि इसमें आपका ये आ रहा है कि जैसे पोस्टल कोड और लोकेलिटी, ठीक है, जैसे हम लोकेलिटी में अपना सिटी और ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको भी हम इसी में ले लेंगे और हमने लिखा तो हमने ऐसे लिखा लखनऊ इंडिया एंड ये आपका स्पैन हो गया, ठीक है, ये आपका स्ट्रीट एड्रेस यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये आपके तो आइटम प्रॉप है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर आने वाला कंटेंट जो है वो खुद में किसी प्रकार का आइटम टाइप तो नहीं है, अगर होता तो हम आइटम स्कोप डिफाइन करते हैं, आइटम प्रॉप देते क्या आइटम प्रॉप है और आइटम टाइप भी बताते कि वो क्या है और उसको किसी ना किसी टैग में कंटेन करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये सिंपली आपका पोस्टल कोड है ना, तो वो हम यहाँ से सीधे कॉपी भी कर सकते हैं, और आपने यहाँ पर लिख दिया पोस्टल कोड बंद हो गया, आपने ऐसे लिखा स्पैन स्पैन और आपका खत्म। तो सर ये जो हम ये सब लगाएंगे स्कीमा ये उसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर डेटा में। हाँ, अब आपने ये यूज किया, इवन अब आप चेक कर लेते हैं कि हम वेबसाइट के लिए, ऑब्वियसली वेबसाइट के लिए वेबसाइट होता है, हम लोग एक बार वेबसाइट देख लेते हैं, है ना, सेम एज वेबसाइट के लिए ये सेम एज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, सेम एज के मतलब ये जो है यहाँ पे हमें एक URL जो है देना पड़ता है, ठीक है, इन्होंने जो है आइटम प्रॉप सेम एज आप कह कि ये जो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में वो आपका आइटम प्रॉप है। अब हम लोग इसको अभी जितना कोड हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ हम ऐसे लिख सकते देख, हम लोग अभी इसको चेक करते हैं और चेक करके वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोग का स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है उसमें हमने कोड स्निपेट अगर पेस्ट कर दें तो क्या वो कहता है इस कोड के बारे में, तो कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है। अच्छा, ईमेल के लिए सेम एज यूज करें वेबसाइट का जो ईमेल, सॉरी वेबसाइट, हाँ ये अभी हम लोग ने यूज किया है तो एरर तो दिखाया, एरर नहीं दिखा, ये आप एक्चुअली वेबसाइट के बाहर नहीं स्पैन, ये जो कंटेंट यहाँ पे जो आइटम हम दे रहे हैं यहाँ पे ये आइटम वेब पे इस जगह पे इस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके इवन फेसबुक और वो भी जो रहता है फेसबुक का URL भी सेम है और इन सब में जाता है, ठीक है। ये रहा इसका जो है एक माइक्रो डेटा फॉर्म, ठीक है। अब यही कोड अगर हम यहाँ पे देखें नेट के ऊपर हमने सेम कोड को टेस्ट किया और नेट के ऊपर इसका हमने देखा अपना इसको जो हमने यहाँ पे टेस्ट किया, तो जैसे यहाँ पे आपका URL है
URL सेम एज में आपने जो है फेसबुक वगैरह लगाया हुआ है नेम है तो हम इसको आइटम फ्रॉम URL दे सकते हैं। ये तो जेसन एनडी वाला है। हाँ ये जेसन एनडी कोड है सेम चीज का। हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई टाइप हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें URL टाइप है। ठीक है URL ऑफ आइटम तो हम लोग इसको अगर ये भी नहीं लेंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। और सेम एज में जो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो सेम एज में मान लीजिए इसका फेसबुक URL है। फेसबुक और ट्विटर मेन के लिए URL मेन के लिए URL सेम एज ये URL यहीं पे है और ये है आपका स्पैम। पहले इसको लिख लिया कॉपी किया और यहाँ पे facebook.com यहाँ पूरा फुल क्लासिफाइड हुआ है स्टूडेंट फेसबुक। ठीक है सो इसके थ्रू आपका जो है यहाँ ट्विटर का भी दे सकते हैं। ट्विटर का जो ऑफिशियल है लिंक्डइन दे सकते हैं गूगल प्लस दे सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एंड वही हम लोगों ने यहाँ पे जेसन एलडी में किया है ना। गूगल का गूगल प्लस का URL तो दोनों दिस इज अलॉट मोर इजियर टू राइट बट इसमें क्या है कि सेम कंटेंट दो बार लिखा जाएगा दो हाँ एक बार हम लोग पहले ये लिखेंगे फिर इसके बाद वो कोड मिला के पेस्ट करेंगे इसके नीचे। यहाँ पे वही चीज जो है आपकी एक ही बार में थोड़े एट्रीब्यूट से फिल हो जाएगी। दोनों ही मेथड सही है। अब हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। schema.org में हम लोग इस समय माइक्रो डेटा डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो डेटा तरीका दो तरीके से लिख सकते हैं तीन तरीके हैं बेसिकली यहाँ पे तीन तरीके आपके जो है मेंशन किए जाते हैं इसमें। एक आपका RDFA एक माइक्रो डेटा एक JSON-LD। तो हम लोग अभी जो है माइक्रो डेटा मेथड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम फिर से स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में जाते हैं और इसको जो है पेस्ट करते हैं आप और अब हमने URL डाला है और हमने सेम एज डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्योंकि वो सही है तो उसको बाहर कर दिया है तो आपका जो यहाँ पे एड्रेस आ रहा है उसमें कहीं भी ये वर्ड नहीं आ रहा है एड्रेस या कहीं पे भी वर्ड वेबसाइट वर्ड नहीं आ रहा है या नेम वर्ड नहीं आ रहा है ईमेल फोन ये सब आ नहीं रहा है वो इंफॉर्मेशन फेच कर रहा है यानी कि आप एक डेटा जो है ये एड्रेस उसने अपने अपनी तरफ से जोड़ा है। हाँ ये उसने अपनी तरफ क्योंकि ये उसका टाइप है ना इसकी नीचे एड्रेस है ये जो इंफॉर्मेशन कि ये एड्रेस है और ये खुद एक टाइप है जो पोस्टल एड्रेस है और इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है तो कई इसमें से कई ऐसे स्ट्रक्चर डेटा होते हैं वेरियस डेटा टाइप्स में से जो रिच डेटा बन जाते हैं। ठीक है ये रिच डेटा की इंफॉर्मेशन हमको हम लोगों की कोई भी वेब मास्टर कंसोल में दिखाई देती है। वेबमास्टर कंसोल में आप सर्च अपीयरेंस में रिच डेटा को रिच स्कीमा जो है schema.org ये एड्रेस के लिए होता है या पूरा डेटा भी लिख सकते हैं हम आर्टिकल कुछ भी
अब देखो ना यहाँ पे आपका जैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप भी आप बता सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा है कि एयरलाइन कॉर्पोरेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल, मतलब इसके आगे भी आप है कि अगर आगे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ टाइप दीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कीजिए, जो जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारे, ये सब प्रॉपर्टीज है ना। आप अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन दीजिए, अगर आपकी कंपनी का कोई अल्टरनेट नेम है, कोई इमेज है, या लोगो भी दे सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ना लोगो, अगर आप इमेज लिखिए और IMG SRC = अपने लोगो का URL और जो है उसका आइटम प्रॉप इज इक्वल टू लोगो, सो आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। एंड कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मतलब जैसे रेसिपी, तो रेसिपी एक तरह का स्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है। आप सिंपल ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्टिंग एक तरह का स्ट्रक्चर डेटा है, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल, वोकैबुलरी आर्टिकल सेक्शन। आर्टिकल के अलावा आपने कहा कि हम मूवीज के बारे में बता रहे थे, मूवी एक तरह का स्ट्रक्चर डेटा। अब मूवी में डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है, ठीक है, एक्टर है, डायरेक्टर है, ड्यूरेशन है, म्यूजिक बाय, ठीक। अब क्योंकि एक्टर है तो एक्टर एक एक्सपेक्टेड टाइप पर्सन है, तो इसमें आपका जैसे जब आप देखेंगे इसको अब माइक्रो डेटा, तो आइटम प्रॉप नेम, ये मूवी का नेम हो गया, आइटम प्रॉप डिस्क्रिप्शन, ये मूवी का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, आइटम प्रॉप डायरेक्टर, आइटम स्कोप दिया और आइटम टाइप दिया पर्सन। क्योंकि अगर हम यहाँ पे सीधे आइटम प्रॉप इज इक्वल टू नेम लिखते तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, दैट्स व्हाई हमको उसका जो है एक स्कोप जो है डिफाइन करना हुआ। स्कोप जब हमने उसका डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो पता लग गया कि इस स्कोप, ये जो आइटम इस स्कोप में आने वाला है वो एक डायरेक्टर है, और जो वो इंडिविजुअल आइटम आया वो खुद में एक नेम है, और किसका नेम है वो उसके जस्ट ऊपर वाले डिव को देख के पता लगेगा कि हाँ एक पर्सन है। तो जब उसके आइटम प्रॉप नेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आइटम प्रॉप नेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि आइटम प्रॉप नेम ये जिस स्कोप में है वो एक पर्सन है और ये जिस स्कोप में है वो एक मूवी है, तो ये नेम एक मूवी का नाम बन जाएगा और ये नेम एक एक्ट, यहाँ पे ऑथर आ गया जिसने लिखी है ना, और भी दो ऑथर है तो दूसरे का नाम, फिर आइटम प्रॉप एक्टर, एक्टर है मगर वो पर्सन है। तो यहाँ पे अगर वो कहता है कि सीधे जो है उसका वो दे दो, यहाँ पे देखो, देखिए कह रहा है ना कि एक्सपेक्टेड टाइप पर्सन, और पर्सन अगर एक्सपेक्टेड टाइप है तो आपको पर्सन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कंट्री और रीजन, पर्सन, ड्यूरेशन में आप ISO 8600 डेट फॉर्मेट में ड्यूरेशन देंगे, जैसे हम लोग टाइम को लिखते हैं 1 hour 2 hour 3 hour, ठीक है, तो वो चीज जो है आपका कुछ ये सब फॉर्मेट्स है ना, स्टैंडर्ड डेट्स हो गए, इयर्स, ये फॉर्मेट्स हैं, मतलब ये कुछ कोड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किए जाते हैं इस तरीके से, जैसे 2017 V35 इस टाइप का, 35 हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहीं ना कहीं ड्यूरेशन अगर दिया हो, इवन इसमें रेटिंग भी है मूवी को, हम लोग अगर मूवी रिव्यू दे रहे हैं, मूवी रिव्यू अगर हम लोग लिख रहे हैं तो मूवी रिव्यू में हम अपने रेटिंग तो सर हम अपने आप से दे सकते हैं या जो वो देगा, हमारे वेबसाइट पे मान लीजिए हमने उसका रिव्यू लिखा, हमने लोगों से कहा कि प्लीज
अब आप हमने पहली बात तो क्या रेटिंग दी वो तो हम अपने स्टार्स देंगे, वो एक अलग चीज है जो वहाँ पे मेन उस पर दिखता है सर्च इंजन पे जब सर्च करते हैं। हाँ, पर वो आता कहाँ से? वो हम देते हैं या वो यूजर्स देते हैं? जैसे आपको, आपने कभी भी किसी मूवी के बारे में IMDB पे उसकी रेटिंग्स देखी? मान लो हम अभी कोई मूवी अवतार सर्च कर देते हैं, ठीक है, तो अवतार मूवी हमें आई, अवतार को 10 में से 7.8, तो IMDB पे यूजर्स ने इसको 10 में से 7.8 स्टार दिए, ठीक है, ये उसने एज ए स्कीमा डेटा पब्लिश किया जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो उसने जो स्क्रिप्ट बनाई है तो उसमें लिखा है ना बेस्ड ऑन 949,416 वोट्स उसकी एवरेज रेटिंग 7.8 है, तो उसकी स्क्रिप्ट ये कैलकुलेट कर रही है। मान लो कोई 2 देता है, कोई 3 देता है, कोई 5 देता है, तो एवरेज क्या हो गया 5 + 3 + 2/3 है ना 10/3 यानी 3.3, तो 3.3 बेस्ड ऑन 3 वोट्स। तो ऐसा जो है हम लोगों का ये सिस्टम है, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक, तो अब मूवी का नाम हो गया किस ईयर में हुई, ठीक है, अब जैसे इन्होंने जो है यहाँ पे इसके रिव्यूज भी लिखे हुए हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम, ये इन्होंने कुछ ऐसी डिड यू नो इंफॉर्मेशन भी पब्लिश कर, यहाँ पे देखिए रिटेन बाई रिलीज डेट, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे ही पब्लिश होती है तो वो पब्लिक को हेल्प कर रही है, वो सर्च करने वाले को हेल्प कर रही है इन फाइंडिंग। यहाँ पे ये ड्यूरेशन दिया 2H42F इस तरह से भी नहीं है आपको इमेजेस हैं जो उन्होंने अवतार मूवी के बारे में लिखते टाइम स्कीमा इमेज को पब्लिश किया है। ये मूवी विकिपीडिया पे भी पब्लिश है, तो विकिपीडिया के पेज से भी काफी इंफॉर्मेशन उठ के आ रही है, ठीक है, कई लोगों ने ये लिखा है, लगभग एक ही बात लिखी है और हजारों ऐसी वेबसाइट्स में सेम बात लिखी होगी, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे IMDB पे रॉटन टोमेटोस पे एंड वेरियस एंड नंबर ऑफ वेबसाइट पे सेम इंफॉर्मेशन लिखी होगी, जिसकी वजह से कोई भी सर्च इंजन ये नॉलेज पैनल तैयार कर पा रहा है और वो श्योर है कि हाँ अब जो वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है वो वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट होके आपको एक वो दिखा रही है कि हाँ ये इसका कैरेक्टर यही है, जेम्स कैमरन ही है, इसका बजट इतना ही था और ये 2009 में ही रिलीज हुई है, ठीक है, जब तक उसको इतने सोर्सेस का वो नहीं मिल जाता है तब तक नॉलेज पैनल प्रिपेयर नहीं होता। हम किसी बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं और यहाँ पे जो आता है, तो अगर गूगल बिजनेस में किसी ने अपने बिजनेस को ऐड कर रखा है वो उसका पार्ट नहीं है, हमने इसको सर्च किया ये गूगल बिजनेस का पार्ट है, बट ये जो रिव्यूज फ्रॉम द वेब है ये इस चीज के, जब ये चीज वेरीफाई हो गई कि सेम बिजनेस के बारे में ही यहाँ पे पब्लिश हुआ है, दो लोगों ने वोट दिया है और इसको 5 out of 5 स्टार दिया, तभी ये आपके इस नॉलेज पैनल जैसे इस पार्ट में इसने इसको इंक्लूड किया है। ये फोटोज जो आ रही है हमने खुद ही से सप्लाई की गूगल बिजनेस में, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद से की है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिव्यूज फ्रॉम वेब आ रहा है, जो इन्होंने जब स्कीमा डेटा लिखा, आइटम बी रिव्यूड भी होता है ना कि जब आप रिव्यूज लिखते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है कि क्या आइटम रिव्यू हो रहा है, आप कभी जैसे एग्रीगेट रेटिंग देखेंगे
तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या आइटम रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है, और उसी आइटम में आप जो है लिखते हैं, जैसे रिव्यू, तो जिस आइटम को आप रिव्यू करते हैं वही उसके अंदर आ रहा है ना, तभी तो हम लोग स्कोप डिफाइन कर रहे हैं, आइटम क्या है। जब ये चीजें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं, अगर उनमें से कुछ रिच कार्ड डेटा, रिच कार्ड्स को क्वालिफाई करता है तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आरपीएफआई में कोई चीजें स्ट्रक्चर डेटा के लिए क्वालिफाई करती हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। अगर उनमें किसी में कुछ ये एच एंट्री में कुछ इशू है, इसको हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपको देखता है। सो रेसिपी इज वन ऑफ द मार्कअप स्कीमा और एचजी का मार्कअप यूज कर रहा है। एच एटम जो है वो यूज कर रहा है माइक्रो फॉर्मेट्स डॉट ओआरजी का मार्कअप, ठीक है। और हम लोग इसको जब यहाँ पे लिखते हैं, एरर वगैरह चेक कर लेंगे, वो हम देख लेंगे अपने से। इसके बाद जो है अगर रिच कार्ड डेटा हम लोग का सक्सेसफुल हो जाता है तो जब हम उसको टेस्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने एक कल एक पोस्ट की, तो ये एक ब्लॉगर का ब्लॉग है और इसमें हमने ऐसे एक रेसिपी पोस्ट की, चिकन बिरयानी रेसिपी, ठीक है, और इसमें कुछ इमेजेस यूज की, कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज किए, कुछ कैलोरी इंफॉर्मेशन, कुछ फैट इंफॉर्मेशन दी, कुक टाइम 1 आवर एंड प्रिपरेशन टाइम 10 मिनट्स। याद रखना है इस चीज की, कुक टाइम 1 आवर है और प्रिपरेशन टाइम 10 मिनट्स है। इसको जब हमने यहाँ पे टेस्ट किया, न्यू टेस्ट में आप गए, फेच यूआरएल पार्ट पे गए और रन किया, तो उसको ये वैलिडेट करेगा। एक एच आइटम में एक ब्लॉग पोस्टिंग, दो तरह के ये स्कीमा है, ये स्कीमा डॉट ओआरजी के मार्कअप पे है, ये माइक्रो फॉर्मेट्स डॉट ओआरजी के मार्कअप पे है, पर जो रेसिपी है हमने उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में PT1S लिखा था, है ना, पर हम इसको जब प्रीव्यू करते तो ये हमको एक कार्ड प्रीव्यू देगा और ये जोड़ देगा उसमें 1 hour 10 minutes 2 रिव्यूज मिल चुके हैं इसको, ये हम लोगों ने यहाँ पे दिया। वही तुम पूछ रहे कभी जोड़ा, ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया रिव्यू काउंट 52, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेटिंग रिव्यू काउंट 52। सो ये सब टूल्स हैं जिनके मदद से अब जब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करते हैं तो एक साइट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, एक सर्च ऑपरेटर है और इसमें हम लिखते हैं हमारी डैश डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। तो इसमें भी आप देखेंगे कि एक जो स्कीमा हमने किया था वो प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका लिख के आ रहा है कि 10 वोट्स 12 मिनट्स 3 कैलोरीज इवन न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन भी पब्लिश हो रही है। ये डमी पोस्ट है, ये उसने इमेज अपने आप उठाई है, ये इमेज भी हमने दी है उसको, लोगों ने दिया या वही जो लगाया जो इमेज लिखी वो और उसको हम लोगों ने उसके माइक्रो डेटा में उस आइटम इसको उसको आइटम प्रॉपर्टी जो है इमेज करते थंबनेल करके। तो इस तरह करके आप लोग लिखिए, ये हम लोग अब चिकन बिरयानी वाला पार्ट का है जिसमें हम लोगों ने जेसन एलडी मेथड यूज किया। तो दोनों ही मेथड से हमने देखा कि दोनों मेथड से डेटा वेरीफाई होता है और पब्लिश होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पूरा एप्लीकेशन स्लैश एलडी जेसन फॉर्मेट स्ट्रक्चर डेटा वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह का प्रीव्यू बनता है अगर वो रिच कार्ड है तो। सर मान लीजिए अगर हमने वो
ये स्कीमा बनाना है, ठीक है, किसी चीज़ का, और उसमें कोई पोस्ट लिखना है, मतलब कुछ आर्टिकल लिखना है, तो वो आर्टिकल जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है छोटा सा, आर्टिकल हम बड़ा सा लिख सकते हैं उसी बिल्कुल, उसमें वो लगा देंगे आर्टिकल। हाँ राइट, और जब आप इसीलिए जब आप माइक्रो डेटा यूज़ करते हैं तो आप अपना आर्टिकल किसी ना किसी पैराग्राफ में वो लिखते हैं। हाँ, उसमें पैराग्राफ में या डेव में, एंड उसमें आप जो है ये लगा दीजिए कि आइटम इसको, अगर आर्टिकल है तो उसके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को, डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल का ऑथर, आर्टिकल का कंटेंट, आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल की इमेज, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है schema.org मार्कअप का इस्तेमाल करते हैं। इस मार्कअप है schema.org का, हम उससे रेफरेंस लेके आते हैं, कई सर्च इंजन्स इसको फॉलो करते हैं और यूजर्स को रिव्यूज और रेटिंग्स जो हैं ये दिखाई जाती हैं। आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिए, क्या इश्यूज आ रहे हैं वो आप लोग डिस्कस कीजिए, अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा करने से हम लोग यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं, या यूजर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने अपने कंटेंट के बारे में, जिससे हमारी सर्च इंजन रैंकिंग्स इंप्रूव होने की भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर्च इंजन रैंकिंग में अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा और इस तरह का रिजल्ट आएगा तो इस चीज़ की संभावना ज़्यादा होगी कि ये रिजल्ट ज़्यादा क्लिक होगी, क्योंकि इसमें इमेज भी है, रेटिंग भी है, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इन रेटिंग से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रेटिंग्स का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर। तो ये हम लोग का माइक्रो डेटा के बारे में एक सेशन था।